कराची का जो जमनी इंतखाब है अब एन 249 का क्या इंतखाब शफाफ हुआ और कराची का मैंडेट जो पीटीआई के पास था उसका क्या हुआ? दो इश्यूज पर जो वो बात हो रही है डॉक्टर साहब, ये आज गवर्नमेंट ने बड़ा जोर रखा इस बात पर कि आप जो है वो दोबारा इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आ जाएं। आप मेरा ख्याल अब ये दो हलकों को लेकर आप लोगों का जो इशू है वो धांधली वाला, डस्का वाला और फिर अब वाला, उनका आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से भी कुछ बात हुई है, कोई वज़ीर आज़म ने हदायत जो है वो ज़राए का कहना है कि वो दी हैं कि 6 महीने में इसको फाइनल करें। आपको बैठ नहीं जाना चाहिए, ये जो हर इलेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं ये किस्सा ख़त्म हो, ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हुकूमत रवैया तब्दील करेगी तो सब लोग बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हुकूमत जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रही है, अगर यही गुफ्तगू जारी रहेगी और NRO का इल्ज़ाम लगाती रहेगी तो फिर आप बताइए कौन बैठेगा। आपने अभी देखा कोरोना के ऊपर स्पीकर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई, दोपहर को मीटिंग थी तो सुबह वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर कर दी कि ये NRO मांगने आ रहे हैं। तो भाई, अगर किसी को फिर NRO नहीं चाहिए तो उसको हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जिसके ऊपर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, अब एक तरफ से आप जब कोई बात करना चाहें, कोई किसी चीज़ पे पॉलिसी इशू पे गुफ्तगू करना चाहें तो चोर चोर चोर, ये चोर, इसका वालिद चोर, उसकी बहन चोर, उसका इतनी ज़्यादा शोर मच जाता है कि आप कहते हैं अच्छा यार चलें, आपकी मर्जी, आप ना करें बात, इस पे क्या बात की जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत बड़ी बड़ी स्पेसिफिक ऑफर्स हैं ये जो आज फवाद चौधरी ने बात नहीं, आपकी बात ठीक है, बड़ी स्पेसिफिक ऑफर्स आप कि हमारे साथ बैठ जाएं बात नहीं। देखिए, आप मुझे बताइए, इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं वो क्या स्पेसिफिक चीज़ों पे नहीं थी? जब वजीर जो हैं बाहर निकल के चार चार पांच पांच वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक सीक्वेंस में, एक दिन में तीन तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, NRO मांग लिया, NRO मांग लिया, तो आप मुझे बताइए कि कौन गुफ्तगू करेगा हुकूमत से, जब हुकूमत एक तरह से, मैं समझता हूँ कि डिसेप्शन, मैं आप डिसेप्शन कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड तो रवैया बदला हुआ नहीं लग रहा आपको इनका, लेकिन जी मुझे नहीं पता अब ये नौ रवैया बदला पे नहीं बदला। मेरे ख्याल में जी ये जो 9 ज़िमनी या जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसके जो नतायज सामने आए, इस तरह के 4-5 जरा और हो जाएं तो तमाम रवैये बदल जाएंगे। तो और जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही फंडामेंटल, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पे जो मैं यहाँ पर आया, मैं जानता हूँ इस इलाके को जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, ये टूटी हुई बस्तियाँ हैं, ये कच्ची बस्तियाँ भी नहीं हैं, यहाँ पे पानी नहीं आता है, यहाँ पे यानी सड़कें टूटी हुई हैं, इतनी बदहाली है कि मैं आपको बताने से कासिर हूँ। अब अगर वजीर जो हैं पानी के, वो लोगों के घर तक पानी ना पहुँचा सकें, और पानी हो, मैं इस वजह से कहता हूँ पानी हो कि ये गरीब लोग, ये हकीकतन बड़े गरीब लोग हैं, ये 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया महीने का खर्चते हैं पानी लाने के लिए, अगर पानी ना हो तो उन्हें ना मिले, वो छोड़ जाएं ये बस्ती, मगर पानी तो है, मिलता नहीं है, पानी है 6-7 हज़ार रुपये में मिलता है, यानी अमीर तरीन जो लोग हैं पाकिस्तान के जो बाकी मुल्क में रह रहे हैं वो मुफ्त पानी लेते हैं, ज़रा उनका पानी का बिल देखें। यानी आपके इलाके में, मेरे इलाके में, जहाँ पे मुतवसत तक तबका रहता है या उम्रा रहते हैं, वहाँ पे पानी मुफ्त मिलता है, और ये गरीब तरीन लोग जो हैं, ये 6 से 7 हज़ार, जिनकी कुल आमदन 30 हज़ार है, वो 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया पानी का खर्चते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, लोगों को तवक्कात हैं, वो तवक्का जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो लोग वोट के जरिए रिएक्ट कर रहे हैं। मैं एक बात, दो बातें आपसे कहूंगा, मुझे पता है मैंने वक्त लिया, जरा दो मिनट दीजिए। हाँ। एक ये, एक सेकंड दीजिए, एक ये कि मैं एक स्पेसिफिक हलके की बात, जी मैं माफी चाहता हूँ, एक स्पेसिफिक हलके के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब के वोट, ये इतिहाद टाउन का एक पोलिंग स्टेशन है जिसका नाम है इतिहाद स्कूल, इस इतिहाद स्कूल के अंदर मिफ्ता इस्माइल के वोट एक और साहब इस्माइल जो हैं उनके नाम पे डाल दिए गए। आप मुझे बताइए, जिस इलेक्शन के अंदर वोट गिनने के बाद ब्लेटेंटली वो वोट उठा के मिफ्ता इस्माइल के बजाय मोहम्मद इस्माइल या जो भी उन साहब का नाम था उनके नाम पे डाल दिए जाएं और इजरा कर दिया जाए फॉर्म 45 का, आप मुझे बताइए वहां पे धांधली हुई है या नहीं? यानी फाइल को छोड़ दें,
और मैं वाकई ये कैला सही कह रही हैं कि ये जो कराची वाला इशू है डॉक्टर, एक और बात नहीं नहीं आखिरी 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 बात आखिरी बात आखिरी यार आखिरी बात आखिरी बात कर लेने मुख्तसर कर लेने एक आखिरी बात जी 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 मुख्तसर करूंगा। ये आप जरा कल अपनी अपनी जो एक्सप्रेस की है वो जरा इलेक्शन रिजल्ट्स दिखा दें। 11 बजे तक पूरे पाकिस्तान ने इलेक्शन रिजल्ट्स दिखाए कि मिफ्ता इस्माइल 3000 वोटों से जीत रहे हैं 11 बजे तक, यानी 3 स्क्वायर मील से कम का इलाका है। 15 मिनट में 250 वोट काउंट करना है एक पोलिंग स्टेशन पर। 250 वोट आपके प्रोग्राम में 250 वोट 250 दफा गिना जा सकता है एक घंटे में। और 11 बजे तक मिफ्ता 3000 से जीत रहा है और उसके बाद जैसे ही लोग सोए हैं और उठे हैं चलिए आपके आपके उस पर एतराज आते हैं। बट दिलीप साहब भाई मुझे कराची वाला देखें, अब इसमें जो लार्जर इशू है वो तो कराची है डॉक्टर साहब। पीटीआई क्यों नहीं कुछ कर सकी कराची के लिए? ये मसले मसाइल कराची के आपको मैंडेट मिला, आपको हल करने थे, कुछ क्या किया आपने? क्यों अगर नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके कराची के लिए कुछ? इसमें दो चीज़ें हैं रहमान। पहली बात तो मैं इनकी बात को कहूंगी कि जी अगर हर इलेक्शन में ये बात होती है, जो जीत जाता है वो कहता है कि बहुत फेयर था, जो हारता है वो कहता है कि सब धांधली थी, आरोज ने ये किया वो गायब हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो इसका वाहिद हल एक ही है कि इस किस्म के इसमें रिफॉर्म्स लाएं जहां ह्यूमन एलिमेंट, जैसे कि बाहर के मुल्कों में है, जैसे कि अमेरिका में है, इंडिया में है, कि मिनिमम फिर चूंकि एविडेंस नहीं होता तो जब धांधली का शोर होता है वो खुद ब खुद अदालतें कहती हैं कि जी ये दिस डजंट साउंड। ट्रंप ने बहुत कहा धांधली हुई, लेकिन वो चूंकि वहां ह्यूमन एलिमेंट कम था तो वो नहीं उसको ये बात चली। इसी तरह अगर हम, और ये हम अब नहीं, हम 2012 में भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर हम 2013 में 14 में खैबर पख्तूनख्वा हमने मॉक वहां किया और प्रेजेंट किया इनको जब रिफॉर्म्स हो रहे थे, तब भी रिजेक्ट हुआ। वो कंटिन्यू रही है बातें, ये कंटिन्यू रही बातें और ये 10-20 साल कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि आप जो दुनिया के अंदर मॉडर्न सिस्टम है उसकी अडेप्टेशन, उसकी एडजस्टमेंट टू द लोकल एनवायरनमेंट करके उसको नहीं लाएंगे। जहां तक इनका कहने का ताल्लुक है कि जी ये इनकी लैंग्वेज कैसी है, मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में एक मिसाल सेट हुई है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर को आके कहा कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा और बाहर आके फिर बड़े फखर से कहा है कि मैं दोबारा करूंगा, ये मैं माफी नहीं मांगता। और ये वही स्पीकर है जिसने नेशनल असेंबली, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिसने नेशनल असेंबली में खड़े होकर फैसल वाडा के बाप को गाली निकाली थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, वो एक्सपंज हो गया लेकिन सबको पता है, आपने दिखाया भी था। तो जब ये इस किस्म की एक एक्स प्राइम मिनिस्टर स्पीकर को और सबको अपने जस्टिफाई करते हैं कि जी हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अयाज सादिक का तो मशहूर है, 5 साल उसने माइक ही नहीं दिया था शेख रशीद को, खुर्शीद शाह की स्पीच ही नहीं टेलीवाइज होने दी थी लाइव एज एन ऑपोजिशन लीडर। तो जो उन्होंने काम किए हुए हैं वो सबको पता है, लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती। हाँ अगर ये पॉलिटिकल रेटोरिक है और आपके दिल में वाकई ये है कि नहीं फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री हम जीते ना जीते आगे आने वाली जनरेशन इससे बेनिफिट करें, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बैठ के कड़वे मुंह से कर लेते हैं क्योंकि हमारी पार्टी भी बेनिफिट होगी आगे लोग, तो फिर तो बैठना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको एक्सक्यूज बना के, मगर इसका एंड क्या है ये देखे ना, याद इसका जो एंड है आपको, ये एक जिमनी इलेक्शन है, इससे पहले भी हमने ऑफर किया। हाँ ये एक जिमनी इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन है 2023 का या जब भी होता है तो कंट्रोवर्सी देखें तो उसमें यही कंट्रोवर्सी रहेगी। अच्छा मुझे एक जरा ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक के बाद जरा इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं कि धांधली के इल्जाम, फिर इसको किया क्या जा सकता है। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।